पाक अरब हाउसिंग स्कीम करप्शन केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने रिहायशी स्कीम में छापा मारकर एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम मुर्तजा को उनकी रिहायश गाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। पाक अरब हाउसिंग स्कीम करप्शन केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने रिहायशी स्कीम में छापा मारकर एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताइएगा। जी मैडम, ये जो है बड़ा एक कार्रवाई की है। नैब ने जो एडमिनिस्ट्रेटर थे पाक अरब के में जो रिटायर मुर्तजा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर के बाहर से। इस हवाले से नैब पहले इस केस की तहकीकात कर रही है, जिसमें इंतजामिया के ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने 1500 प्लॉट के बजाय 54,000 प्लॉट, 5400 प्लॉट जो है वो शहरियों को फ्रॉड करके अरबों रुपए का फ्रॉड किया था। इस हवाले से इंतजामिया पहले ही मालिक जो है इंतजामिया जो सोसाइटी के अमार गुजार उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है। और अब जो एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के मेजर रिटायर गुलाम मुर्तजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब अजय का कहना यह कि तहकीकात के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शिकायत ये है कि जितनी भी सोसाइटी में डबल प्लॉट फोक्स किए गए थे उसमें जो है गुलाम मुर्तजा के साइन होते थे और उसके बाद वो प्लॉट जो है एक से दो दो लोगों को फोक्स कर दिए जाते थे। इस वाले से तहकीकात की जा रही है और अब ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद पाक अपनी मजीद भी गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद।